वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे ऑनलाइन पढ़ाई के फायदे या फिर नुकसान। तो ऑनलाइन हमने देखा ही है कि आज के दौर में ऑनलाइन पढ़ाई की ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है, और कुछ कोरोना जैसी महामारी के कारण। तो अब इसमें फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते होंगे। तो पहले हम जानते हैं इसमें क्या फ़ायदे होते होंगे। तो चलिए जानिए फ़ायदे। ऑनलाइन पढ़ाई होने से अनेक फ़ायदे देखने को मिले हैं। ऑनलाइन पर पढ़ने से स्कूल में जाने आने का समय बचता है। तो क्या सबसे पहला फ़ायदा क्या देखा है कि स्कूल में जाने आने का समय बचता है, और जाने आने में प्रयोग में आने वाली गाड़ियों का भी खर्चा बचता है, क्योंकि जिस चीज़ पर हम जाते हैं उसकी वजह से हमारा खर्चा होता है ना, तो वो भी बचता है। तथा गाड़ियों के कम चलने से प्रदूषण भी कम होता है, क्योंकि जब गाड़ियां कम चलेंगी तो प्रदूषण भी कम होगा। घर में बैठकर पढ़ने से खाने में घर पर बनी हुई बढ़िया और साफ़ सुथरी चीज़ें खाने का मौका मिलता है। मिलता है ना, जब घर में बैठते हैं तो मम्मी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के देती है, और उससे और साफ़ सुथरी भी होती हैं, बाज़ार की चीज़ें हम कम खाते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि मम्मी पापा सामने ही होते हैं, इसलिए वो पूरा ध्यान दे पाते हैं। समय अधिक होता है, जिसके कारण हम पढ़ाई के साथ साथ घर में अपने माता पिता के साथ कई प्रकार के कामों में मदद कर सकते हैं, ना, क्योंकि स्कूल में जाना नहीं है, खेलने का इतना मौका नहीं मिलता, कि क्योंकि स्कूल में भी हम खेलते हैं, फिर घर आके शाम को भी खेलते हैं, तो इस तरह के मौके हमारे बच जाते हैं, टाइम सेव होता है, जिसकी वजह से घर के कामों में भी मदद कर सकते हैं, जिसके कारण हमें भी काम करने आ जाते हैं, और इससे क्या होता है, हमें खुद को भी काम करने आ जाते हैं। ऑनलाइन में जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उस स्कूल के अध्यापक तो पढ़ाते ही हैं, ना, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उसके अध्यापक तो पढ़ाते ही हैं। इसके अतिरिक्त भी हमें अन्य अध्यापकों की वीडियो भी देखने को मिलती है, क्योंकि ऑनलाइन पर और भी अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं ना, जो और स्कूलों के होते हैं, तो उनकी वीडियो भी देखने को मिलती है। उन वीडियो को बार बार सुनने से पढ़ाई में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो वह दूर हो जाती है, क्योंकि स्कूल में तो एक ही बार पढ़ाते हैं अध्यापक, या दूसरी बार पढ़ा देंगे, या आपके पूछने से बता देंगे, लेकिन इसमें बार बार सुन सकते हो, और उससे पढ़ाई में आ रही दिक्कत ख़त्म हो जाती है। इसलिए अंत में मैं कहूँगा या फिर कहूँगी, ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। धन्यवाद। तो ये था हमारा फ़ायदा। तो अब हम करेंगे नुकसान की बात, कि ऑनलाइन पढ़ाई से क्या नुकसान होता है। नुकसान ऑनलाइन पढ़ाई के कारण कई प्रकार की समस्याएं देखने में आ रही हैं। ऑनलाइन पढ़ने में अध्यापक मोबाइल पर, लैपटॉप पर पढ़ाते हैं, या फिर वीडियो बनाकर भेज देते हैं, आपके पास वीडियो बना के भेज देते हैं ना, या फिर आपको पढ़ाते हैं, गूगल मीट से पढ़ा सकते हैं, इस टाइप से पढ़ाते हैं, जिसके कारण बच्चों के हाथ में हर समय मोबाइल या लैपटॉप रहता है ना, हर समय लैपटॉप या मोबाइल, जिसके कारण उनकी आँखों पर बहुत असर पड़ता है ना, आँखों पर, आँखें जल्दी ख़राब होती हैं, चश्मा लग जाता है, और बच्चे पढ़ाई के अलावा मोबाइल पर खेलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आप मोबाइल जब हाथ में होता है तो खेलते भी रहते हो। हर समय मोबाइल का इस्तेमाल करना सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। अध्यापक के आमने सामने होकर ना पढ़ाने से बच्चे ठीक से समझ नहीं पाते, जिसके कारण वह
पढ़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि जब तक अध्यापक सामने नहीं ना होगा तब तक बच्चे उतना ध्यान नहीं देते, उन्हें लगता है कोई बात नहीं भाई पढ़ तो रही हैं बस, तो इसलिए वो पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं। इसके कारण माता पिता को भी परेशानी होती है, क्योंकि माता पिता भी कुछ विषयों में बच्चों की सहायता नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना कि मम्मी पापा को पढ़ाने नहीं आते तो उनकी सहायता नहीं कर पाते। और कुछ घरों में तो ऐसा है कि माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ घरों में तो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं माता पिता, जो बच्चों की बिल्कुल भी सहायता नहीं कर पाते। अंत में मैं कहूँगा या फिर कहूँगी कि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों का बहुत नुकसान है, क्योंकि पढ़ाई तो स्कूल में जाकर ही हो सकती है, घर पर नहीं। धन्यवाद।